सो मिस्टर राम, बेस्ट ऑफ लक, आप हमारी ईमेल का इंतजार करिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नेक्स्ट सत्येंद्र नवाब। आ जाए क्या? हाँ? कह रहे हैं आ जाए क्या? पहले पान थूक के आइए। पान नहीं खा के आए सर, उकाया है ना कि हमारे बाप बहुत बड़े पनवाड़ी हैं, हमारी बहुत बड़ी पान की दुकान है, तो बचपन से हमें पान खाने की आदत है, तो पान खाते खाते मुंह ही ऐसा हो गया, अब हम पान नहीं खाते तो भी ऐसे ही बोलते हैं, पान नहीं खा के आए सर। ओके कम सेट। ये कौन सा तरीका है? आ जाए क्या? जंगल से आए हो क्या? जंगल से नहीं आए हम, यूपी में लखनऊ से आए हैं। आदाब आदाब आदाब। इसमें नाम सत्येंद्र नवाब लिखा हुआ है, कहीं के नवाब हो क्या? अरे बताया ना सर कि लखनऊ से आए हैं, नवाबों का शहर लखनऊ, वो क्या है ना कि नवाब हमारे खून में बसते हैं सर, तो नाम के आगे नवाब लगाते हैं और सत्येंद्र नवाब लिखते हैं, इसलिए सत्येंद्र नवाब लिखते हैं सर। लिसन मिस्टर नवाब, If you want to do this job, then you have to leave your Nawabi attitude. देखिए है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए कोशिश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। So Mr. Nawab, आपने career objective में mention किया हुआ है, to work with the organization providing dynamically whatever. आप समझा सकते हैं इसका मतलब क्या है? अगर आप समझाना चाहें तो। अब ये तो मैम साइबर कैफे वाला ही बताएगा। हम उसके पास गए, हमने कहा हमारे लिए रिज्यूम बना दीजिए, हमारा आज इंटरव्यू है भाई, तो अपने कंप्यूटर में वो पहले से ही एक रिज्यूम बना के रखा हुआ था, वही चाप के हमको दे दिया। खुदा की कसम लखनऊ शहर में झूठ नहीं बोलते। सच में लिखे हो करवा दीजिए, कोठा समझ गया हो क्या? अब जो हमको समझ में आया लिख दिए। सेक्स में लिखते हैं मेल या फीमेल, मेल फीमेल समझते हो ना, आदमी या औरत। अरे तो भगवान ने आपको जो तो आंखें दी हैं, आप भी तो देख के समझ सकते हैं कि आदमी है कि औरत है। मिस्टर नवाब, आपने इंटरेस्ट में लिखा हुआ है पान खाना, जो की दिख रहा है, चूना लगाना समझ में नहीं आया, आपको समझाएंगे? देखिये मैडम, चूना हम दो ही टाइम लगाते हैं, पहला जब पान लगाते हैं तो सामने वाले से पूछ लेते हैं कि चूना लगाएं कि ना लगाएं, और दूसरे वाले में सामने वाले की सहमति नहीं मांगते हैं, बस लगा रहते हैं, समझ रहे हैं मैडम? अपने हॉबी में एक और चीज मेंशन किया, सिंगिंग, कुछ हमें भी इंटरटेन करेंगे? अरे बड़ा टॉप का गाना गाते हैं हम, जिंदगी भर याद रहेगा आपको, लिए सुनिए। बस है हुक्म का इक्का बस, इसमें मिमिक्री भी लिखा हुआ है, कुछ करके दिखाओ। अरे बिल्कुल, कुत्ते को मैंने मेरा खून पी जाऊंगा। इसमें तुम्हारी एक और हॉबी लिखी हुई है, कुकिंग, मैम कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे आप क्या क्या कुक कर लेते हैं? अभी हम तो बहुत कुछ बना लेते हैं, आपको रहेगा बनाने? चाय बना लेते हैं आप? अरे बिल्कुल, बताइए कैसे बनाते हैं। कहा है कि पहले आप एक भगौना लीजिए। भगौना? व्हाट इज भगौना? अरे भगौना मतलब जिसमें चाय बनाते हैं, आप जिसमें चाय बनाने वो ले लीजिए, वो समझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए और गैस डाल दीजिए, उसको गर्म होने दीजिए और फिर उसमें डाल दीजिए चाय पत्ती, और चाय पत्ती पहले डालेंगे ना तो चाय जल्दी खोल जाएगी, और जैसे ही खोल जाए तो उसमें अदरक डाल दीजिए और फिर दूध डाल दीजिए। और चीनी कब डालोगे? अरे मैं थोड़ा रुकिए तो, आपको बड़ी जल्दी है मैम चाय बनाने की। अरे मैं पहले चाय खोलने तो दीजिए, उसमें पहले दूध डलेगा फिर चीनी डलेगी ना, फिर अगर आप चीनी पहले डाल देंगे दूध फट जाएगा, चाय भी फट जाएगी, चाय खराब होने, फिर आप कहेंगे कि चाय अच्छी नहीं बनाते हो, हम आपको नौकरी भी नहीं रखेंगे, बताइए कोई बात है। सो मिस्टर सत्येंद्र नवाब, अगर दो मिनट के लिए आपको इस देश का पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? देखिए क्या है कि हम दो मिनट के अंदर देश का तो कुछ भला कर नहीं पाएंगे, दो मिनट में मैगी बन जाती है, वो हम आपके लिए बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ताजमहल किसने बनाया है? आशा, आशा, आशा।
अमित शाह ने बनवाया होगा सर। अमित शाह ने? आजकल इन्हीं के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं, आप समझ रहे ना मैडम। अच्छा तो तुम यूपी के हो? हाँ। तो बताओ वहाँ क्या क्या फेमस है? देखिए सर, हमारे यूपी की गालियाँ बहुत फेमस है। हमारे यूपी के लौंडे इतनी बुरी बुरी गालियाँ देते हैं ना कि आप सुन ले तो आपके कानों खूनी बवासीर हो जाए। पूरे इंडिया में जितनी भी गाली दी जाती है सब हमारे यूपी से ही लौंड होती है। हमारे यूपी के लौंडे बहुत टैलेंटेड है, किसी मामले में कम नहीं है। आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए और जरूरत पड़े तो आज मान लीजिए। आप समझ रहे ना? आपके पास बैंक अकाउंट है? हाँ है। अच्छा तो कितने पैसे हैं उसमें? जी यही कोई होगा 100-200 करोड़ रुपया है। अगर तुम्हारे अकाउंट में 100-200 करोड़ है तो तुम्हें इस जॉब की जरूरत क्या है? अरे आप बात बहुत काटे लाउंडे की। अरे हम कह रहे हैं हमारे बैंक में 100-200 करोड़ रुपया है, हमारे खाते में खाली 100-200 रुपया होगा बस। इतने कम पैसों में आपका घर कैसे चलता है? अरे मैम घर कहाँ चलता है, घर तो वहीं रहता है। आपका ऑफिस भी दूर चलता है क्या? वहीं रहता है ना। तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। हम अपने इकलौते माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। और बहन? वो कहा है ना सर कि हमारे माँ बाप तो बहुत कोशिश किए लेकिन हम उनको कभी अकेला छोड़े ही नहीं, तो ना बहन हुई ना भाई, हम यहीं हुए। आप समझ रहे ना? क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तुम बार बार मैडम मैडम कर रहे हो। अरे आप बार बहुत करते हैं लौंडे की, जब से हम आए तब से कचार पचार बुजुर्ग बुजुर्ग कहे पड़े हैं। अरे देखिए मैडम में है ग्लैमर और असर का क्या है, सर में तो जो भी होता है। नायक नाम है मेरा। तो हमारा क्या नोच लेंगे? 1 लाख सैलरी पाता हूँ तो उसमें हमारा क्या फायदा? अच्छा ये बताइए आप में ऐसा लग क्या है कि हम आपको जॉब दें? कट्टर देखे हैं कभी? हमारे ऑफिस में आके हम ही को धमका रहे हो? आप बात नहीं करते लौंडे। देखिए जो हम कर सकते हैं वही बोलते हैं और हम जो बोल देते हैं फिर वो करके छोड़ते हैं। और हम अपनी अम्मा से ये बोल के आए थे कि नौकरी तो हम लेके रहेंगे। अब आप बोल सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर ले। ये हुई ना बात, यूपी से है, हल्के मत लीजिएगा। Wait for the bus. Dada, chalte to mas. Dada, hilte to mas. Dada, dekhe to mas.